नमस्कार। जवान जवान के बारे में, उन लोगों का जो अदालत है, इस अदालत में क्या क्या फैसिलिटीज है, इसके बारे में मैं जवानों के साथ बातचीत करना चाहता था। एक आध केस दिया था, अब ये केस जो है जवान लोगों के लिए बहुत फायदा मिलेगी, संभावना है। ये 2019 सुप्रीम कोर्ट 69 जसवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आर्मी एक्ट सेक्शन 20, 191, 192, रूल 129 एंड 749 रूल्स के बारे में डिस्कस किया है। वो ये पूरा आप रूल पढ़ने से, ये आर्मी पर्सनल के लिए, सीआरपीसी में आईपीसी में कुछ धारा है जिसके मुताबिक अगर कोई आर्मी मैन जब ऑन ड्यूटी में नहीं रजा में है तो वो जब गलती करता है तो गलती जो क्राइम है वो माइनर क्राइम है तो ये नॉर्मल कोर्ट को कोर्ट से निकाल के प्रिविलेज लेके कोर्ट मार्शल में कर देते हैं। अगर मेजर अपन्स होता है तो वो रेगुलर कोर्ट में ट्रायल होता है। ऐसी इस चीज़ में क्या है, ये सिपाही वो अपना सुपीरियर ऑफिसर को जापट दे देता है, वो दो चार्जेस है उसके ऊपर, एक तो पीटना, सुपीरियर ऑफिसर को पीटना, दूसरा जो है वो वर्दी ठीक से नहीं पहनना है, तो ये दूसरा चार्ज को कोर्ट मार्शल ने, समरी ट्रायल कोर्ट मार्शल ने एक्विटल कर देता है। और पीट जो सुपीरियर ऑफिसर पीट आता है उसमें छः महीने का सजा और डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो इस चीज में क्या है, ये ग्राउंड है, वो आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में अपील गया, वो भी खारिज हो गया। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय में 129 रूल्स के मुताबिक ये जो आर्मी पर्सनल के ऊपर जब कोर्ट मार्शल का इंक्वायरी चलता है वो नेक्स्ट फ्रेंड रख सकता है, वो वकील भी हो सकता है, मगर वो वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ एग्जामिनेशन करने का हक नहीं है और अदालत के सामने बातचीत करने का हक नहीं है, ऐसा रूल 129 में लिखा है। ये जो सिपाही का जो दरखास्त था कि वकील रखने का, उसको खारिज किया गया है। उसका कारण यह है 1479 के मुताबिक ये डेथ पनिशमेंट जब होगा तभी इसका कार्रवाई का ये असिस्टेंट मिला जाएगा, ये उच्च न्यायालय उसको माना नहीं, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहा है, वो सिंपली 129 अप्लाई होता है ऐसा कहकर उनको वो पनिशमेंट को रद्द कर दिया है। वो बेचारा सिपाही 6 महीने का सजा भी काट दिया है। तो ये केसेस में आपके सामने लाया है, ये आप लोग ये रूल्स पढ़ के, आपको नहीं ज़रूरत पड़े तो अच्छा है, आपका साथियों उन लोगों की मदद करने के लिए आप ये कर सकते। दूसरी बात है, ये वकील जो लोग नौजवान हैं बिलो एज, वो ये कोर्ट मार्शल के लिए एग्ज़ाम लिख के पीसी का अच्छा है तो वो उसमें जा सकते हैं, फिर वो कोर्ट मार्शल चीफ कोर्ट मार्शल तक बन सकता है। ये सब आप जानने की ज़रूरत है। गो ऑन सर्च गूगल। जय हिंद।